ब्लैक फंगस और म्यूकरमाइकोसिस एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन है जो कि आजकल COVID-19 से ठीक हुए पेशेंट्स में देखा जा रहा है। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मीना। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लैक फंगस होता क्या है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट प्लान होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ब्लैक फंगस, इसको मेडिकली हम म्यूकरमाइकोसिस भी बोलते हैं। ये मोस्टली आजकल COVID-19 से जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं उनमें देखा जा रहा है। फंगल इन्फेक्शन ये उन पेशेंट्स में होता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स में होता है या फिर कोई क्रोनिक लॉन्ग टर्म से वेंटिलेशन में हो तो उनमें ये प्रॉब्लम आती है, या फिर आजकल COVID-19 से जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं उनमें भी ये देखा गया है। लेकिन एक बात मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ कि हर पेशेंट में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ उन पेशेंटों में देखा गया है जिनमें जो डायबिटिक है एंड जिन्होंने ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट कोविड के ट्रीटमेंट के टाइम पे स्टेरॉयड लिया था जिसकी वजह से उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ गया था एंड अभी उनको म्यूकरमाइकोसिस की प्रॉब्लम हो रही है। सो हर पेशेंट में ये नहीं होता है। जो नॉर्मल कोविड के पेशेंट हैं जो ठीक हो चुके हैं उनमें ये नहीं है, ना के बराबर है, बट जिनमें शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है उन पेशेंट्स में ये देखा गया है। उनमें भी हर पेशेंट में ये नहीं देखा गया, उनमें से कुछ पेशेंट्स में ये देखा गया है। सो इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स इसकी क्या होते हैं, आँखों में जलन मचनी स्टार्ट हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन हो जाता है एंड रेडनेस हो जाती है आईज, आईज के सराउंडिंग में ब्लैकिश पैचेस आ जाते हैं, ब्लैक कलर के पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, नोज स्किन पे ब्लैक पैचेस आ जाते हैं, कभी कभी तो ब्लैक कलर का डिस्चार्ज निकलना स्टार्ट हो जाता है। एंड अगर माउथ की बात करें तो दांत लूज हो जाते हैं, अपने आप ही झड़ना शुरू हो जाते हैं, पैलेट में स्वेलिंग हो जाती है, पैलेट में भी डिस्कलरेशन हो जाता है एंड कभी कभी ये डिस्कलरेशन स्किन में भी दिखाई देता है। तो अगर ये सिम्टम्स किसी ऐसे पेशेंट को हो रहे हैं जो कि COVID-19 से ठीक हुए हों लेकिन उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है एंड ड्यूरिंग द प्रोसीजर उन्होंने स्टेरॉयड लिया हो, तो अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको लगते हैं तो आपको इमिडिएटली अपने फिजिशियन से बात करनी चाहिए एंड उनसे अपने बारे में उनको बताना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस कैसे की जा सकती है। सबसे पहले ब्लड शुगर देखा जाता है, आपका CBC देखा जाता है, किडनी फंक्शन टेस्ट देखे जाते हैं, MRI किया जाता है, CT स्कैन किया जाता है एंड कभी कभी ज़रूरत पड़े तो नेजल एंडोस्कोपी करके भी देखा जाता है कि इसमें अंदर नाक के अंदर कोई ब्लैक पैचेस है कि नहीं है एंड कुछ केसेस में बायोप्सी भी की जाती है। तो ये सारे इसके डायग्नोसिस हैं। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट प्लान की तो ट्रीटमेंट प्लान में सबसे पहले ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जाता है, दूसरा बात होती है इसमें इंजेक्शन जो होते हैं एम्फोटेरिसिन बी के दिए जाते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है एंड नंबर थर्ड इज़ कुछ केसेस में सर्जरी भी करनी पड़ती है, जहाँ जहाँ पे फंगस लग गया है उस एरिया को वहाँ से रिमूव करना पड़ता है। आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल द पेशेंट जो भी अभी कोविड से ठीक हुए हैं या फिर अभी जिनको कोविड हुआ है वो प्लीज़ अपना ट्रीटमेंट खुद घर पे बैठ के ना करें, किसी फिजिशियन से कंसल्ट करें, किसी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, बिकॉज कुछ पेशेंट्स अपने आप खुद ही स्टेरॉयड लेना स्टार्ट कर देते हैं एंड फिर बाद में उनको प्रॉब्लम होती है। तो इट्स बेटर कि आप अपने कंसल्ट करें किसी डॉक्टर से, चाहे तो आप ऑनलाइन कंसल्ट करें या फिर आप खुद विजिट करें किसी क्लिनिक में जाके, लेकिन स्टेरॉयड खुद ही अपने आप स्टार्ट ना करें, बिकॉज डॉक्टर को अच्छे से पता होगा कि आपको कितने अमाउंट का स्टेरॉयड की ज़रूरत है। सो अब क्यों ज़रूरत है भी कि नहीं है, जस्ट डिपेंड टोटली डिपेंड ऑन द डॉक्टर, अपने आप से आप स्टेरॉयड स्टार्ट ना करें। एंड वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ कि हर पेशेंट जो COVID-19 से ठीक हुआ है उनमें ये नहीं होता है, ये सिर्फ रेयर केसेस में होता है, ये सिर्फ उन केसेस में हो रहा है जिनमें शुगर अनकंट्रोल है, यानी कि उनका डायबिटिक अनकंट्रोल है, डायबिटिक कंट्रोल में नहीं आ रहा, उनमें ये प्रॉब्लम हो रही है। एंड जो नॉर्मल पेशेंट है जो COVID-19 से ठीक हो चुके हैं तो उनमें ये केसेस ना के बराबर है। सो आपको इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप का शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है एंड आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं तो आपको प्रिकॉशन, आपको सावधानी, यानी कि आपको डॉक्टर को तुरंत इमिडिएटली विजिट करना चाहिए और बताना चाहिए। सो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।